Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. So guys, कैसे हो सारे? I hope आप लोग हमेशा की तरह बढ़िया होंगे. And guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ PUBG कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जो कि गज आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा. कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट को आज हम एडिट करके दिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत ही कम टाइम में. ओके, तो चलिए गज बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो गाइस सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करना है. और गाइस ये बैकग्राउंड को मॉडिफाई किया गया है और ये फुल एचडी में. एंड हाँ, अगर आपको और भी पबजी बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ. आप हमारे वेबसाइट से बहुत सारे पबजी बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं. देन गाइस इसके बाद हम इसमें एक शैडो पीएनजी को ऐड करेंगे. तो सिंपली इस तरह से ब्रा करना आपको. तो मैं यहाँ पर पहले से एडजस्टमेंट करके रखा हूँ शैडो पीएनजी को, और इसके बाद सेव कर लेना इसे. ओके, देन गाइस इसके बाद हमें यहाँ पे मॉडल पीएनजी को ऐड करना है. तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद मॉडल पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे. सो गाइस इसका बैकग्राउंड मैं पहले से रिमूव करके रखा हूँ, एंड ये फोटो कुछ इस तरह से था, तो जिसका बैकग्राउंड मैंने पहले से रिमूव कर लिया. ओके, सो गाइस अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप उस वीडियो को देख करके अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं. ओके, देन सिंपली हम यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं. सो गाइस इसके बाद इसमें हम कुछ पीएनजी को ऐड करेंगे. तो ये बैग वाली पीएनजी है, तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से ब्रग करेंगे. ओके, क्योंकि हमें ओरिजिनल बैग जो पहले वाली थी उसे नहीं रखना, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये बैग पीएनजी को ऐड करेंगे. देन गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ग्रास वाली पीएनजी है, तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना. और ये मॉडिफाई किया गया, सारे पीएनजी मॉडिफाई किया गया. ओके, देन ऐड कर देना. सो इतना काम हमारा हो चुका है. एंड का जिसमें एक शैडो पीएनजी को हम ऐड करेंगे, तो सिंपली शैडो पीएनजी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं. तो ये रही हमारी शैडो वाली पीएनजी. ओके, और ये टेक्स्ट वाली पीएनजी को भी हम ऐड कर लेते हैं, जो कि पबजी लोगो पीएनजी है. तो गाइस आपको यहाँ पे शैडो पीएनजी को एडजस्ट करनी है अपने मॉडल की, यानी अपने बैकग्राउंड के हिसाब से. तो यहाँ से हम आगे की तरफ कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं इसे. और इसके बाद आपको ये पबजी लोगो का पीएनजी है, तो इसे हम छोटा कर लेते हैं सबसे पहले. और छोटा करने के बाद आपको साइड में यहाँ पे एडजस्ट करना है. सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव कर लेना है. इसके बाद इसमें एक और पीएनजी को हम ऐड करेंगे, जो कि ये ब्लर बाइक वाली पीएनजी है. तो इस तरह से आपको ब्लर करना है. ओके, तो ये बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, देन सेव कर लेना है. सो गाइस हमने यहाँ पे सभी पीएनजी को ऐड कर लिया. एंड गाइस अब इसमें हम कलर करेक्शन करेंगे, जो कि लैडर मैप की मदद से करेंगे. तो यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉ में, और ड्रॉ में टूल में जाने के बाद आपको अपने फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है. सेव करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक हो जाना और ओपन कर लेना है अपने लैडर ऐप को. सो लैडर ऐप को ओपन करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है लैडर ऐप में. तो हमारे यहाँ पर फ़ोटो लैडर ऐप में आ चुकी है. तो गाइस सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक कलर करेक्शन करेंगे. तो इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे सन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे. ओके, और सन वाले आइकन पे जाने के बाद आपको हाईलाइट को इंक्रीज करना, देन कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे. तो आप अपने फ़ोटो के हिसाब से ये सारे कलर बैलेंस कीजिएगा. ओके, क्योंकि हर फोटो का अलग अलग कलर बैलेंस हो सकता है. तो इसके बाद इसमें कुछ यहाँ पर अपने फेस को वाइट करेंगे, तो यहाँ से इसके लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेना आपको. ओके गाइज, एंड इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ह्यू को कम करते हैं, देन सेचुरेशन को भी थोड़ा सा कम करना. ओके, इसके बाद अगले कलर पे जाएंगे और लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, एंड थोड़ा सा ह्यू को कम करते हैं. सो इसके बाद ब्लू कलर पे जाएंगे और इसके सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से सेव कर लेना आपको. देन यहाँ से आपको सेचुरेशन को इंक्रीज करना है. और गाइस यहाँ से अपने फ़ोटो में हम थोड़ा सा क्लियरिटी को भी ऐड करते हैं, और विग्नेट को थोड़ा सा कम करते हैं. ओके, जिससे हमारी फ़ोटो में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाएगी. और शार्पनेस को इंक्रीज करना है, देन नॉइज डायरेक्शन को इंक्रीज करना है. तो हमारे यहाँ पे इतना काम हो चुकी है. एंड अब इसमें हम कुछ सिलेक्टिव टूल का काम करेंगे. तो आपको फ़ोटो को जूम करना है, एंड ब्रश सेलेक्ट करके
अपने फेस के ऊपर हम इस तरह से पेंट कर लेते हैं, क्योंकि गाइज हमारे यहाँ पे फेस पे कुछ लाइट डालनी है यानी और भी ब्राइटनेस को इंक्रीज करना। तो सिंपली हम यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे एंड शेडो को थोड़ा सा कम करेंगे और गाइज एक्सपोजर को इंक्रीज करना, ओके, देन सेव कर लेंगे। तो गाइज हमारे यहाँ पे फाइनली फोटो एडिट हो चुकी है एंड मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दे रहा हूँ, जो कि गाइज आप काफ़ी देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आ चुकी है हमारे फोटो में कलर करेक्शन करने के बाद। तो सिंपली हम यहाँ से अपने फोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।